जैसे मैंने बहुत नीचे 50 रुपये पे खरीदे थे, 500 शेयर हैं। आज की खरीद 500 क्या भाव पे? अब बढ़िया 221 भाव चल रहा है, बढ़िया मुनाफा हो रहा है। तो कितना समय दे पाएंगे आप इस स्टॉक को? तो इसको आप आराम से और 1-2 साल, कोई जल्दी नहीं है। कोई जल्दी नहीं है, 1-2 साल तक बड़ी लंबी अवधि के लिए भी होल्ड करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो आशीष जी, 50 की खरीद, 200 भाव ऑलरेडी हो गया है, होल्ड करने की क्षमता अभी भी है। क्या स्टॉप लॉस और क्या टारगेट? डेफिनेटली देखिए, सबसे पहले तो ये इनकी जो होल्ड करने की क्षमता है और अच्छे स्टॉक को होल्ड करने की जो उनकी स्किल है, इसकी वजह से ऐसे उनको मुनाफा हुआ है। और मैं मानता हूँ ये मुनाफा और बढ़ने की संभावना है। इस स्टॉक में बीच में बहुत अच्छा करेक्शन हो गया था, स्टॉक जो करीब करीब 300 रुपये के आसपास से ये स्टॉक 180 तक नीचे आया था, फिर भी वो होल्ड करके रखे थे। तो इसी तरह से होल्ड करके रखने की मेरी सलाह होगी। ये स्टॉक अभी भी छोटा सा करेक्शन मोड में है, फिर भी होल्ड करना चाहिए। मैं मानता हूं कि अगर ये स्टॉक 255 के ऊपर निकलता है तो बहुत ही बेहतरीन रैली की शुरुआत वापस एक बार इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है, और 300 और 315 के लक्ष्य इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। अभी के लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा वो थोड़ा डीप डाउन रहेगा, क्योंकि 1-1.5 साल का इनका अवधि है। तो मैं मानता हूँ 195 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने की सलाह होगी। 250-255 के ऊपर निकलते ही वापस 310-325 के लक्ष्य इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो होल्ड करने की राय है, 300-315 रुपए के टारगेट है, 100